अरे आओ आओ सब्जी आलू भाई, आज के लिए बढ़िया ऑफर है, सिर्फ 10 रुपए किलो। चाहे आलू हो चाहे बैंगन टमाटर, आ जाओ सारे। 10 रुपए किलो भैया, अभी आपने जो बोला वो सच है क्या? सारी सब्जियां 10 रुपए किलो मिल रही है? हाँ हाँ भैया, सही सुना आपने, सब कुछ 10 रुपए किलो है। चाहे आलू लो, टमाटर लो, बैंगन लो, भिंडी लो, सब कुछ। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हेलो सुनो, ये टमाटर कितने रुपए किलो हो रखे हैं? 150 रुपए किलो। मुझे ना यहाँ पे सब्जियाँ काफी अच्छे रेट में मिल रही हैं। मैंने एक काम करता हूँ, हफ्ते भर की सब्जियाँ ले आता हूँ। ठीक है भैया, एक काम करो आप ना, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और 3 किलो आलू कर दो, और करेला कर दो, और 2 किलो बैंगन कर दो। ठीक है भैया, छोटू सुन लिया ना, सब पैक कर दिया, बढ़िया बढ़िया छान छान के। ठीक है जी भैया, अभी करता हूँ। ठीक भैया, ये टमाटर कैसे दिए? मैडम जी 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? पर भैया ये बगल की गली वाला तो 150 रुपए किलो दे रहा है, तो आप इतना सस्ता क्यों? हाँ मैडम, वो क्या है ना, मैंने सबके लिए आज ऑफर रखा है सब्जियों पर, आपको जो भी चाहिए आप लो, सिर्फ 10 रुपए किलो। ओ अच्छा, पर फिर भी भैया 10 रुपए किलो तो बहुत सस्ता हो गया, ऐसे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये सब्जी आपको फ्री में मिली होंगी, तो फिर इतना सस्ता क्यों? अब क्या बताएं मैडम, बस ये मान लीजिए कि बड़े मजबूर हैं, हमें कल के कल ही गांव निकलना है, वो भी ये सब कुछ बंद करके हमेशा के लिए। वो क्या है ना कि गांव में बीवी है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अब ये तो मुमकिन नहीं कि सब्जियाँ सारी आज की आज बिक जाए, तो इसलिए मैंने ये ऐसा ऑफ़र रख दिया, ये 10 रुपये किलो वाला, ताकि सब्जियाँ बिक जाए और सब्जियाँ बर्बाद भी ना, और मुझे कुछ थोड़ा पैसा मिल जाए तो मेरे काम ही आएगा ना, गाँव जाने में, वहाँ पर इलाज करवाने में, इसीलिए। अच्छा तो मतलब आप मजबूर हैं, तभी मैं कहूँ 150 रुपये की चीज़ 10 रुपये में कौन ही देगा आजकल। अब मैडम क्या कर सकते हैं, अब इंसान मजबूरी में जो करना पड़े वो कर देता है, और इससे बेहतर आइडिया दिमाग में आया भी नहीं कुछ। और अच्छा है ना, आप लोगों का फायदा भी हो रहा है, तो ठीक है सब्जियाँ कम दाम में मिल रही है आप लोगों को। यार भैया आप तो बहुत ही अच्छे हो, मतलब हमारे फायदे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, भला आज की डेट में ऐसा कौन ही करता है। ठीक है भैया, आप तो मेरे 2 किलो टमाटर कर दीजिए। ठीक है मैडम जी। ये लीजिए मैडम आपके 2 किलो टमाटर। भैया कितने हो गए? वही 10 रुपए किलो के हिसाब से आपके 20 रुपए हो गए। नहीं नहीं भैया, मैं 10 रुपए किलो के हिसाब से नहीं पूछ रही, मैं ओरिजिनल प्राइस पूछ रही हूँ। ओरिजिनल कितना हो गया? 150 किलो के हिसाब से 300 हो गए, मैं 300 कर देती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप 300 रुपए क्यों कर रही है? मैंने कहा ना आज के लिए ऑफर है, आपको तो फायदा ही, आप 20 रुपए कर दो ना, ठीक तो है। देखिए भैया, मैं मानती हूँ कि आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको अपना नुकसान करा के 150 किलो की चीज़ 10 रुपए में बेचनी पड़ रही है, पर अगर मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आपका नुकसान कर दूँ तो इसमें पाप तो मुझे लगेगा ना। और रही बात 300 रुपए की, अगर मैं 300 रुपए अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं उसी प्राइस में लूंगी ना, मैं क्यों आपका नुकसान करूँ, तो मैं 300 ही कर रही हूँ। अरे पर मैडम आपका तो सोचिए। देखिए परवर कुछ नहीं, मैं 300 करूंगी, वरना मैं ये नहीं लूंगी। अच्छा मैडम आप कर दीजिए। ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। हो गए भैया, शुक्रिया। भैया मेरे भी ना आप सही रेट बताना, ये 10 रुपए किलो वाले नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि आपको कोई नुकसान हो, तो जितना बनता है आप मुझे उतने बता दो। जी भैया आपका आपका भला हो, और मैं अभी करता हूँ पैक, ठीक है बस 2 मिनट दीजिए मुझे। जी भैया। छोटू ये ले, जल्दी कर दे पैक।